इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। आसाम के होजाई में एनएसयूआई छात्र संघ के कार्यकर्ताओं को अज्ञात लोगों ने पत्थर मारने का मामला प्रकाश में आया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता राहुल दे के चेहरे पर जख्म के निशान साफ देखने को मिल रही है। वहीं होजाई पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने राहुल को होजाई में स्थित प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे अपने संवाददाता संतोष यादव से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर होजाई से जुड़ चुके हैं। संतोष, जानना चाहेंगे किस प्रकार का मामला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि होजाई में पिछले दिनों से कई सालों से एक्चुअली क्या है कि कोई चुनाव नहीं हो रहा था छात्र संघ का होजाई कॉलेज में जी। और हाल ही में एक समझौता हुआ जिसके बाद से एबीवीपी साथ ही एनएसयूआई और आसू के लोगों ने मीटिंग कर कॉलेज में एक बड़ा फैसला लिया, जो कि इसी अक्टूबर 30 को मतलब चुनाव होना है छात्र संघ का होजाई कॉलेज में जी। इसी दौरान कल देर रात कैंपेन चल रहा था एनएसयूआई और एबीवीपी का जी। और जिसके बाद से एनएसयूआई का एक लड़का जो है कथित तौर पे वो कैंपिंग कर रहा था, जिसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने कैंपिंग से आते वक्त स्लोगान चला रहे थे एबीवीपी का, और जैसे उस छात्रों को देखे तो पत्थर से वार कर दिए, और जिसके बाद स्थिति गंभीर हो गई और सूचना स्थानीय थाना को दिया गया होजाई को जी। और जिसके बाद से होजाई पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई जी। और एनएसयूआई के कार्यकर्ता राहुल डे को फिलहाल पुलिस ने देर रात होजाई के सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दिया है जी। और स्थिति बहरहाल नॉर्मल है जी। बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पर कुछ कार्रवाई हुई संतोष? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो होजाई जिला के एसपी इस पे बड़ी सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, हालांकि अब तक कुछ सामने देखने को नहीं मिल रहा है जी। और होजाई पुलिस इसको लेकर के तमाम होजाई के इलाकों में छानबीन कर रही है। हालांकि और भी एक सवाल उठ रहा है प्रशासन पे कि अगर छात्र संघ के चुनाव है, देर रात तक कैंटीन चल रही थी और किसी भी तरीके का सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया था जी। तो इसको लेकर प्रशासन अपने तरफ से सफाई देने में जुटा हुआ है कि रात को परमिशन नहीं था, उसके बाद भी छात्र संघ के चुनाव को लेकर लड़के जब इतना उग्र हो गए, उसको लेकर प्रशासन भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस मामले को जो है समझौता करने की जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। मेरा नाम राहुल डे है। मैं एनएसयूआई का कैंपेनिंग कर रहा था यहाँ पे। मैं यहाँ पे कैंपेनिंग करने के समय अचानक से कुछ लड़का जो कि एबीवीपी का लड़का लोग आके मुझे पूछा एनएसयूआई का है तू, बोल के डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया मुझे। और ऐसे भी इलेक्शन हमने डेट 30 को है, इसलिए आके वो लोग ने मुझ पर हमला किया। एक देशद्रोही दल है, हैं, नेताजी के फोटो मत लगाओ, नेताजी के फोटो लगा के तुम लोग, हाँ, तुम लोग एक देशद्रोही हो, तुम लोग लायक नहीं हो नेताजी के फोटो लगाने के। कहाँ पर लगाए? ये होजाई की लोकेशन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि जैसे कि गोविंद आश्रम बोल के एक जगह है, वहाँ पे एक मंदिर है, उसके सामने एक वाल के ऊपर लगाया। फिर कॉलेज के सामने लगाया कि एनएसयूआई गो बैक, एनएसयूआई मुर्दाबाद, एनएसयूआई को वोट मत दो, मतलब